हे गाइस, तो ये है बोट की तरफ से एयरड्रॉप जेनेसिस एंड ये ना काफ़ी अच्छा ईयरबड्स है एंड आगे जगह बताऊंगा वीडियो में क्यों है। लेकिन गाइस सबसे पहले बात करते हैं बोट के बारे में, क्योंकि गाइस उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से देना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये इंडिया का लार्जेस्ट वेयरेबल ब्रांड है, ऑब्वियसली आप लोग को पता ही है। एंड ये बहुत तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं बोट, आप लोग को पता ही है, जैसे कि हेडफोन, स्पीकर्स, ईयरबड्स और भी वराइटीज ऑफ चीज़ेस लाइक स्मार्टफोन पेरिफेरल्स वगैरह, ठीक है। लेकिन गाइस ये एयरड्रॉप जेनेसिस कैसा है और इसका जो लॉन्च प्राइस है ना वो है 1799, राइट। एंड ये अमेजन, फ्लिपकार्ट और बोट के वेबसाइट तीनों जगह पे आप लोग को अवेलेबल मिलेगा 1 जून से। सो इज इट वर्थ? सो स्टार्ट करने से पहले, मैं नाम अभिजीत, आप देख रहे हो ऑलटेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एयरड्रॉप जेनेसिस का पोर्टेबल डिजाइन है, 13mm ड्राइवर्स, क्वाड माइक्स एंड भी बहुत सारे फीचर्स है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे टोटल प्ले टाइम 54 आवर्स, इन ईयर डिटेक्शन भी है, IPX5 वाटर रेजिस्टेंस एंड बहुत सारे और फीचर्स भी है। गाइस बॉक्स में आप लोग को गाइस आप लोग देख ही सकते हो, जब भी हम लोग कट करते हैं सील को पहले, एंड गाइस सबसे पहले हम लोग को मिल जाता है, आप लोग को देख सकते हो ईयरबड्स, जो कि एक थोड़ा सा प्लास्टिक रैपर में रैप किया गया है। अंदर गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ USB केबल आप लोग को मिल जाता है चार्जिंग केबल के लिए, जो कि USB टू टाइप सी है। गाइस अंदर आप लोग को ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ गाइस यूज़र मैनुअल मिलता है, एक कैटलॉग मिलता है, वारंटी कार्ड भी मिलता है एंड गाइस FAQ कार्ड भी मिलता है। गाइस ये सब कुछ आप लोग को मिलता है, जो कि ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं है, हाँ लेकिन बोट का स्टिकर भी साथ मिलता है। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा स्लिम है ये बर्ड्स एंड कितना ज़्यादा पतला है एंड बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुकिंग है। गाइस ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस पेयरिंग करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट बॉक्स को लिड को ओपन करना है एंड ब्लूटूथ ऑन करना है फ़ोन का। एंड गाइस जैसे आप लोग अगर ऑन करके रखोगे ना तो ईयरबड्स डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे आप लोग एक ईयरबड्स को ऑन मतलब बाहर निकालोगे बॉक्स से, ये डिटेक्शन कर लेगा इजीली सेकंडों में। तो ये बहुत ही इजी पेयरिंग है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने निकाला एंड गाइस एक सेकंड में डिटेक्शन हो गया एंड जैसे मैंने टैप किया एंड पेयर हो गया। इतना ज़्यादा सिंपल है पेयरिंग करना, बहुत ही ज़्यादा ईजी गाइस। तो गाइस अनबॉक्सिंग टाइम आप लोग ने देखा कि इसका जो डिज़ाइन है ना गाइस बहुत ज़्यादा स्लीक है, बहुत ज़्यादा स्लिम है एंड गाइस मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये गाइस बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। गाइस बहुत ज़्यादा स्लिम है, इसलिए पॉकेट में इजीली आप लोग अंदर डाल सकते हो एंड बहुत इजीली से फिट भी हो जाएगा एंड आप लोग लाइक कहीं भी जा सकते हो, बैठ सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉकेट फ्रेंडली स्टाइल डिज़ाइन किया गया एंड जो एक्चुअली में एयरड्रॉप्स भी है ना वो भी लाइक काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें बर्ड्स नहीं है ना, तो मतलब वो स्वीट प्रूफ है, राइट। क्योंकि गाइस आप लोग ऐसे इजीली लगा सकते हो राइट लाइक दिस एंड गाइस बहुत अच्छे से फिट भी हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा स्लिम है। ऊपर से गाइस मेटेलिक डिज़ाइन भी है, मतलब मेटेलिक कलर है, तो मेटेलिक फिनिश के लिए अच्छा और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है बर्ड्स। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ना कि इसका जो डिज़ाइन है ना एंड बिल्ड क्वालिटी दोनों ही अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी भी हार्ड प्लास्टिक से बना है, ये रियल मेटेलिक तो नहीं है एंड बॉक्स भी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा बोट एनग्रेव्ड है एंड यहाँ पे थोड़ा पे क्लासी टाइप का डिज़ाइन से गया है। तो ऊपर से इसका मतलब केस अच्छा खासा है एंड अच्छा खासा बैटरी लाइफ भी दे देता है। तो ओवरऑल गाइस इसका बिल्ड क्वालिटी एंड गाइस डिज़ाइन दोनों ही मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सही लगा। गाइस नेक्स्ट इसका फीचर है ना वो है गाइस क्वाड माइक ENX टेक्नोलॉजी एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, क्योंकि गाइस इसमें ना इस हर एक एयरड्रॉप्स में मतलब एक पर एयरड्रॉप्स में दो दो करके माइक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में दोनों में मिलके ना क्वाड माइक है एंड गाइस आप लोग को इसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉल क्वालिटी भी मिल जाता है एंड मुझे एक्चुअली में लगा नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिम है एंड बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे दो माइक फिट हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना स्लिम होने के बावजूद भी यहाँ पे चार माइक है, क्वाड माइक्स है एंड ENX टेक्नोलॉजी जो है ना वो आप लोग को बैकग्राउंड नॉइस कट कर देता है एंड आप लोग को लाइक आपका जो कॉलिंग का जो एक्सपीरियंस है ना उसको और ज़्यादा एनहांस कर देता है, अच्छे से सुनाई देता है। तो ये ENX टेक्नोलॉजी रियली में बहुत ज़्यादा फायदा करता है बोट, आजकल ये नया फीचर लॉन्च किया है एंड एक्चुअली में ये काफ़ी अच्छा वर्कआउट करता है। ये AI के थ्रू होता है या फिर पता नहीं इस तरह का होता है, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि क्वाड माइक इसमें अच्छे से काम करता है एंड कॉलिंग में भी इसमें कोई इशू नहीं है। गाइस
नेक्स्ट है इसका बैटरी लाइफ एंड गाइस चार्जिंग स्पीड। गाइस इसका चार्जिंग स्पीड गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे चार्ज को सपोर्ट करता है ASAP गाइस। आप लोग क्योंकि गाइस आप लोग 5 मिनट चार्ज करके ना ये 60 मिनट्स का आप लोगों को प्लेबैक टाइम मिल सकता है, मतलब कॉलिंग टाइम भी मिल सकता है। एंड ये ओवरऑल गाइस केस का जो इनबिल्ट आप लोग को पावर मिलता है ना, एंड गाइस आप लोग को ईयरबड्स के साथ आप लोग को टोटल 54 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा दे पाए, क्योंकि एक तो ये गाइस इतना ज़्यादा स्लिम है, ऊपर से क्वाड माइक है एंड गाइस 13mm का ड्राइवर्स भी है, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा दे पाएगा। लेकिन हाँ गाइस ये 54 आवर्स तक प्लेबैक टाइम दे देता है विदाउट एनी इशू, एंड इसका चार्जिंग स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट है, तो मुझे बहुत ज्यादा सही लगा गाइस। गाइस आप लोगों को एक चीज़ तो ख्याल में आएगा कि ये इतना स्लिम है, इतना ज़्यादा क्लासी दिखने में, तो ये ऑर्डिनरी हेडफोन है होगा एंड गेमिंग में फोकस नहीं रहेगा। लेकिन गाइस इसमें बीस्ट मोड भी आता है, बीस्ट मोड एंड गाइस इसमें आप लोगों को 65 ms लेटेंसी मिलता है, जो कि काफ़ी सही है गाइस एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में। एंड हाँ ये टोटली गेमिंग फोकस तो नहीं है, लेकिन ये 65 ms भी एक फीचर होना काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि आजकल कुछ मतलब जो ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल हेडफोन्स होता है वो गाइस गेमिंग मोड को स्किप ही कर देता है, लेकिन इसमें बीस्ट मोड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देगा साउंड को। एंड 65 ms लेटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा सही है गाइस, वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है गाइस। अब मैं कुछ इस एयरपॉड्स का ना कुछ गाइस फीचर्स के बारे में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस इसमें गाइस सीमलेस इन ईयर डिटेक्शन है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा गाइस एक्चुअली में, क्योंकि बहुत सारे ईयरबड्स है ना ऐसे कि इस प्राइस रेंज में जो इस फीचर्स को इग्नोर मार देता है। लाइक आप लोग ईयर में जब भी हेडफोन को लगाओगे ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, फिर जब निकालोगे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, तो ये फीचर एक्चुअली होना चाहिए लेकिन बहुत सारे बड्स इसको स्किप कर देता है, लेकिन इसमें ये फीचर है। गाइस 13 mm का बड़ा ड्राइवर से, ऐसा नहीं कि 10 mm या फिर 12 mm का है, ये 13 mm ड्राइवर से एंड काफ़ी ज़्यादा लाउड आप लोग को क्लियर साउंड देगा ऑब्वियसली गाइस, काफ़ी ज़्यादा सही साउंड देगा। एंड गाइस इसमें IPX5 भी मिल जाएगा ऑब्वियसली, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी, एंड ऊपर से गाइस यहाँ पे 1 tap का वॉइस असिस्टेंट भी है, आप लोग गूगल या फिर सीरी किसी को भी मतलब असिस्ट कर सकते हो इससे, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। ये सब छोटा मोटा फीचर्स आप लोग को मतलब ईयरबड्स को परचेस करने में और ज़्यादा एनहांस्ड कर देता है, क्योंकि गाइस ये छोटे छोटे फीचर्स ना काम का होता है कभी कभी, हाँ ये बहुत काम के तो नहीं होते लेकिन कभी कभी ये फीचर्स हेल्पफुल हो जाते हैं। तो यही था गाइस वीडियो गाइस, एंड मैं एक और बार मेंशन कर देता हूँ कि आप लोग को ये जो ईयरबड्स है बोट एयरडॉप जेनेसिस, ये आप लोग को अमेजोन में भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा एंड बोट का ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा, तो आप लोग को तीनों जगह मिल जाएगा। एंड इसका जो लॉन्च प्राइस है वो है 1799 एंड कुछ दिन बाद ही, एक या दो दिन बाद ही उसका प्राइस हो जाएगा 1899, तो लॉन्च प्राइस में लेना आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 1799 में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश ईयरबड्स है एंड ऑब्वियसली ये एक डिसेंट ईयरबड्स है, तो आप लोग ले सकते हो राइट। सो थैंक्स वॉचिंग गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर देना, लव यू, कीप सर्निंग, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, टाटा।